हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड करण। और आज इस वीडियो में हम जीरो दागल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो काइट प्लेटफॉर्म है। उसमें बाय सेल कैसे करते हैं, उसमें हम अपनी पोजीशंस कैसे चेक करते हैं, डीमेट अकाउंट में कौन से स्टॉक्स पड़े हैं वो कैसे चेक करते हैं, या फंड्स विड्रॉ कैसे करते हैं, फंड्स ऐड कैसे करते हैं, और मेन उसका चार्टिंग जो प्लेटफॉर्म है उसे कैसे यूज़ करते हैं, और उसमें जो डिफरेंट अलग अलग टूल्स है चार्ट्स के अंदर उसे कैसे यूज़ करते हैं हम। और मैं बहुत बार आपको मेरी वीडियोस में कुछ ना कुछ टूल यूज़ करता हुआ दिखता ही हूँ, तो सब मेरे को कमेंट्स में दोस्तों पूछते ही हैं कि भाई ये टूल आपने कैसे यूज़ किया, ये लाइन कैसे बनाई है, वो ये कैसे किया। तो वो हर एक चीज़ के बारे में एक डेमो टाइप का इन डेप्थ वीडियो है दोस्तों, ये आप लोग के लिए। दोस्तों जैसे आपको पता ही है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, क्योंकि ब्रोकरेज सबसे कम है और प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है जीरोधा का यूज़ करने के लिए। अगर आपको भी अपना अकाउंट ओपन करना है जीरोधा में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसको क्लिक करके ऑनलाइन 300 रुपये पे करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, उसमें कोई देर नहीं लगती है। तो आइए अब समझते हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म को कि हमें कैसे यूज़ करना है जीरोधा का प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं ट्राई करूँगा जितना शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको बता सकूँ कि जीरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पे हम बाय या सेल कैसे करते हैं स्टॉक्स को, फ्यूचर्स को। मैं एक स्टॉक का भी आपको डेमो दे दूँगा और फ्यूचर का भी डेमो दे दूँगा, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों आपको जीरोधा का जो काइट यूज़ करना है प्लेटफॉर्म, उसके लिए पहले आपको एक लिंक डालना है अपने वेब ब्राउज़र में, kite.zerodha.com। तो वो आपको इस पेज पे लेके आएगा। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपका जीरोधा का अकाउंट का है। और फिर उसके बाद ये आपको एक पिन नंबर भी मांगेगा, जो कि आपका पासवर्ड के साथ एक पिन नंबर भी होता है। आपको सेकंड वेरिफिकेशन के लिए अपना पिन नंबर भी एंटर करना है 6 डिजिट का। तो दोस्तों ये एक पेज खुल जाएगा आपके सामने, उसमें आपको डैशबोर्ड बताएगा, आपका नाम बताएगा, हाय जो भी आपका नाम है, और नीचे इक्विटी का और आपका बैलेंस बताएगा। आपके कमोडिटी अकाउंट में कुछ पैसे पड़े होंगे तो वो आपको अपना बैलेंस बताएगा। तो सबसे पहले अब इसमें हम बाय सेल कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो हमें सपोज़ कीजिए, अगर कोई भी स्टॉक देखना है, किसी का चार्ट ओपन करना है, तो ये जो वॉच लिस्ट है ये मैंने इधर क्रिएट की हुई है ऐसे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पेज तक की वॉच लिस्ट आती है। तो आप हर पेज पे अलग अलग स्टॉक्स की स्क्रिप्ट आप ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज़ कीजिए मेरे को यहाँ पे रिलायंस ऐड करना है, तो मैं रिलायंस टाइप करूँगा और सबसे ऊपर पहला ही आ जाएगा NSE रिलायंस लिखा हुआ है, तो इस पे ये प्लस सिंबल पे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, तो ये वॉच लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही अगर सपोज़ कीजिए मेरे को कोई दूसरा स्टॉक ऐड करना है, समझो वेदांता ऐड करना है, तो VEDL उसका जो सिंबल है वो मैं टाइप करूँगा, तो यहाँ पे ये प्लस साइन है उस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके वॉच लिस्ट में आ जाएगा। या सपोज़ कीजिए आपको कोई दूसरा ऐड करना है, बजाज फाइनेंस ऐड करना है, तो आप खाली उसका जो सिंबल नेम है वो टाइप करेंगे बजाज फाइनेंस, तो ये सबसे पहला ऊपर आ जाएगा दोस्तों। इसमें NSE और BSE दोनों लिखाएगा, आपको NSE के थ्रू एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करना है या BSE के थ्रू, वो आपको डिसाइड करना है। सपोज़ कीजिए मैं NSE के थ्रू करता हूँ, तो मैं ये प्लस सिंबल्स को ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। अब सपोज़ कीजिए मुझे इंट्राडे में इसमें ट्रेड करना है और मुझे सेल साइड का ट्रेड लेना है, तो मैं इसको सेल दबाऊँगा और इधर CNC मतलब कैश एंड कैरी होता है दोस्तों। अगर आपको डिलीवरी बेस कुछ बाय करना है या सेल कर, डिलीवरी बेस सेल तो आप नहीं कर सकते, डिलीवरी बेस आपको बाय करना है तो CNC पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपको सपोज़ कीजिए कि खाली इंट्राडे के लिए आपको ये स्टॉक में ट्रेड करना है, तो आप MIS दबाएंगे, और ये जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है मार्केट ऑर्डर, आप इसको सेल करेंगे तो जो भी मार्केट प्राइस अभी चल रहा होगा दोस्तों उस प्राइस पर आपका ये सेल हो जाएगा। और अगर आप लिमिट प्राइस रखना चाहते हैं, जैसे मार्केट प्राइस चल रहा है 4057, पर आप चाहते हो कि मेरा लिमिट प्राइस चाहिए सेलिंग का मुझे, जो कि है 4060, कि भाई मैं इससे नीचे नहीं बेचना चाहता हूँ, तो आप अपना इधर लिमिट प्राइस भी रख सकते हैं 4060। अगर वो प्राइस हिट होएगा तो आपका सेल होएगा, वरना नहीं होएगा दोस्तों। इसी तरीके से ये होता है SL ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, पहले हम सेल या बाय कुछ कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए आप मुझे सेल नहीं करना है, बाय करना है, तो इधर से आप इसको बाय पे क्लिक करेंगे तो भी ये विंडो खुलेगा। अगर आपने सेल पे क्लिक किया हो लेकिन आपको चेंज करना है, तो ये जो टॉगल है उसको आप ऐसे करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ब्लू का मतलब है अब आप बाय साइड का ही ट्रेड ले रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए मैं मार्केट ऑर्डर पे एक क्वांटिटी बाय करता हूँ बजाज फाइनेंस, ये मैंने बाय कर लिया दोस्तों। ये मैं कोई एनालिसिस करके ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये खाली आपको बताने के लिए मैं रैंडमली बाय सेल कर रहा हूँ। तो इधर आप ऊपर देखेंगे नोटिफिकेशन में तो लिखा हुआ आएगा कि बजाज फाइनेंस 1 out of 1 क्वांटिटी कंप्लीटेड और 4062.70 पे मेरा ये बजाज फाइनेंस बाय हुआ है। अब इसमें आप इधर पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी रनिंग और करंट पोजीशन भी बताएगा दोस्तों। ये MIS में मैंने किया इंट्राडे में, और ये 4062 का प्राइस मिला, और अभी जो प्राइस चल रहा है 4062.0 चल रहा है, तो जो भी
करंट प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो भी आपको इधर बताता रहेगा दोस्तों। अब सपोज कीजिए मेरा ये इंट्राडे का ऑर्डर है, लेकिन अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है सीएनसी में, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको इधर ये इस पे ड्रैग करेंगे तो इधर ये तीन डॉट दिखाएगा और ऑप्शंस लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट लिखा हुआ आ जाएगा। और कन्वर्ट में MIS टू CNC आपको ऑप्शन दिखाएगा, आप कन्वर्ट करेंगे तो ये MIS ऑर्डर अभी CNC बन गया है, अब ये इंट्राडे ऑर्डर नहीं है दोस्तों। अब ये आपके पास कैश एंड कैरी में पड़ा रहेगा, अगर आप इसको रनिंग छोड़ दोगे तो ये 2 दिन के बाद आपके डिलीवरी अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवरी आ जाएगी दोस्तों इसकी। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें बाय सेल करते हैं। अब मैं आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी बता देता हूँ कैसे यूज़ होता है। तो इसमें सपोज़ कीजिए आपने बाई किया 4062 पे, और आप चाहते हो कि मेरा अभी 4070 प्राइस हो चुका है और मेरा स्टॉप लॉस है 4060 का, कि मैं इसमें 2 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें ये एग्जिट पोजीशन पे क्लिक करूँगा। इधर ये तीन डॉट्स पे पहले हम क्लिक करेंगे और फिर एग्जिट पे दबाएंगे, और फिर एग्जिट में सेल नहीं करना है हमें, हमें इसमें इधर स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर में ये ट्रिगर प्राइस आपको लिखना होता है दोस्तों। सपोज़ कीजिए मैं इसको 4060 कर दूंगा, लेकिन होता क्या है बहुत बार कि आपने कोई स्टॉप लॉस प्राइस तो रख दिया है दोस्तों, लेकिन ऐसा काफ़ी बार होता है कि ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो वो बहुत स्पीड से स्टॉक नीचे गिरा है या उस प्राइस पे इतने बायर्स नहीं मिले, तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा ट्रिगर होगा, उसकी गारंटी नहीं होती है दोस्तों। लेकिन अगर आप ये SLM स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि जैसे ये 4060 का प्राइस टच होएगा स्टॉक में, तो मार्केट ऑर्डर करके जो प्राइस आएगा वो प्राइस उसमें जो ब्रोकर है वो आपको पोजिशन एग्जिट कर ही देगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम SL और SLM यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों में मेन ये बेजर फ़र्क होता है। और इधर डिस्क्लोज क्वांटिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए तो मेरे पास एक शेयर है, अगर मेरे पास 1000 होता और मैं इधर डिस्क्लोज क्वांटिटी में 1000 लिख देता, तो ये जो बाय एंड सेल के ऑर्डर्स होते हैं, इधर आपको ये बिड्स और ऑर्डर्स दिखाएगा, उसमें ये डिस्क्लोज करेगा कि ये 1000 में किसी का ये प्राइस पे बाइंग या सेलिंग के लिए पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से वर्क करता है दोस्तों ये। लेकिन अगर मैं डिस्क्लोज क्वांटिटी 0 करूँगा तो मेरा ये ऑर्डर प्लेस करने से भी ये लिस्ट में कहीं पर मेरा ऑर्डर नहीं दिखाएगा वो। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी क्वांटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग इसको डिस्क्लोज क्वांटिटी को 0 ही रखते हैं और वो इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, जो है 4062.70, तो मैं इसमें SLM यूज़ कर लूँगा, 4063 का कर लूँगा, ताकि थोड़ा नीचे भी आएगा तो मुझे एटलीस्ट मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस तो मिल ही जाएगी। और ये SLM सिलेक्ट करके मैं सेल दबा दूंगा तो मेरा ये पोजीशन एग्जिट नहीं होएगा, उस पर स्टॉप लॉस लग गया है। अब इसमें आप ऑर्डर्स में जाके इधर देखेंगे दोस्तों, ये तो ऊपर ऑर्डर्स हम क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आपको बताएगा जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है वो नीचे बताएगा कि ये ट्रेड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और ये पेंडिंग ऑर्डर आपको बताएगा जो कि आपने स्टॉप लॉस लगाया पर अभी तक वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है या हिट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इसमें प्राइस भी आपको बताएगा, और आप यहाँ से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वापस आप ऑप्शन में जाएंगे और ये मॉडिफाई क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपने जो 4063 रखा है शायद आपको वापस अब मॉडिफाई करके उसको 4060 कर देना है, और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ये मॉडिफाई भी हो जाएगा, और आपको अब वो जो ट्रिगर प्राइस है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ उसको, तो देखेंगे तो जो ट्रिगर प्राइस है वो 4060 हो गया दोस्तों। तो अब ये 4060 पे आएगा तो ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, तब तक नहीं होएगा। तो इस तरीके से आप जितनी बार चाहें उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वापस से अगर मैं चाहूँ तो उसको मॉडिफाई पे क्लिक करके 4060 को 4061 भी कर सकता हूँ, और ये मॉडिफाई पे क्लिक कर लूँगा तो ये मॉडिफाई हो गया, 4061 हो गया अभी ये। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम सपोज़ करते हैं कि मुझे ये पोजिशन यहीं पर एग्जिट करनी है और ये जो प्रॉफिट मिल रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ऑप्शन में जाऊँगा, एग्जिट पर जाऊँगा, और ये जो मार्केट है उस पर क्लिक करके सेल दबा दूंगा तो भी मेरी ये पोजिशन एग्जिट हो जाएगी, लेकिन मैंने एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस किया हुआ तो मुझे आके ये स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी कैंसिल करना पड़ेगा दोस्तों, वरना मेरा पोजीशन वहाँ तो एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पे एक नया सेल ओपन हो जाएगा। इसलिए मुझे इस पोजीशन को इधर जाके कैंसिल करना पड़ेगा, या मैं इसको मॉडिफाई करके भी पोजीशन को एग्जिट कर सकता हूँ। मॉडिफाई पर दबाऊंगा और मार्केट क्लिक कर दूंगा और मॉडिफाई, तो आप देखेंगे तो ये पोजीशन मेरी एग्जिट हो गई, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, 4070 का प्राइस हमें मिला है। आप पोजीशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें 8 रुपये प्रॉफिट हुआ है। ये तो खाली मैंने एक सिंगल एक शेयर बाय करके आपको दिखाने के लिए किया था दोस्तों, मैं एक स्टॉक में या कोई एक लॉट में भी ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरी ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है तो थोड़ा बड़ा है, पर ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए सब मैं बता रहा हूँ। अब इसी तरीके से आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। सपोज़ कीजिए आपको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप इसमें सर्च कीजिए बैंक निफ्टी, या किसी भी स्टॉक में करना है। अब बैंक निफ्टी में ये मार्च का फ्यूचर है, सपोज़ कीजिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब आपको ये फ्यूचर सेल करना है तो आप सेल पे दबाएंगे,
अब इसमें हम एक नहीं कर सकते, इसमें लॉट वाइज होता है, हर एक फ्यूचर का लॉट साइज़ अलग अलग होता है। जैसे इसमें 20 का लॉट साइज़ है, तो अगर मुझे सपोज़ कीजिए 20 के लॉट साइज़ के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा, मिनिमम एक लॉट में ट्रेड करना ही पड़ेगा, हाफ लॉट या ऐसे नहीं ट्रेड कर सकते हम, एक लॉट दो लॉट जितने लॉट आपको चाहिए लॉट वाइज मिलेंगे दोस्तों इसमें। तो अगर मुझे इसमें कोई भी ट्रेड लेना है, अगर बाय साइड का लेना है तो मैं इसको टॉगल कर दूंगा और बाय पे क्लिक करूंगा, और अगर मेरे को सेल साइड का लेना है तो मैं टॉगल वापस से इसको रेड साइड कर दूंगा, तो ऊपर लिखा आ जाएगा सेल बैंक निफ्टी। मैं जब इसको ब्लू करता हूँ तो बाय बैंक निफ्टी भी लिखा आता है दोस्तों। और सेम इसी तरीके से इसमें ये लिमिट ऑर्डर, SL ऑर्डर, SLM सेम तरीके से यूज़ होते हैं। और ये जो नॉर्मल ऑर्डर होता है दोस्तों, इसका मतलब आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो एक्सपायरी तक। लेकिन अगर आप MIS सिलेक्ट करेंगे तो इंट्राडे में ही अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो 3:15 बजे के आसपास आपका ब्रोकर उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। उसमें मार्जिन भी कम यूज़ होता है, लेकिन इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो मैं लाइव आपके सामने इसमें एक ट्रेड भी करके बताता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह आइडिया आ जाएगा क्लियरिटी से कि बाय सेल हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों सपोज़ कीजिए कि मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से अभी गिरने वाला है, तो मैं उसमें सेल साइड का ट्रेड लूँगा। तो मैं ये जो MIS है उस पर क्लिक कर लूँगा इंट्राडे के लिए, और 20 मतलब एक लॉट होता है। अगर मैं इस पर ऊपर एरो क्लिक करूँगा तो 60, 80, 100 जितने लॉट आपको सेल करने वो हिसाब से आप कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं अभी खाली एक लॉट में ट्रेड करता हूँ, और ये मार्केट ऑर्डर पे मैं क्लिक करके सेल दबा देता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी सेल हो चुकी है, प्राइस भी इधर नीचे लिखा आ जाएगा, इधर एवरेज प्राइस भी लिखा आएगा, 26577.15 पे मेरी बैंक निफ्टी का पोजीशन, सेल पोजीशन ओपन हो चुकी है। और ये MIS पोजीशन है, इसके लिए अब ये इंट्राडे में 3:15 तक आपको काटनी पड़ेगी। अगर आप नहीं स्क्वायर ऑफ करते, क्लोज नहीं करते इस पोजीशन को, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रोकर है वही इसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। और इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है MIS से नॉर्मल में, तो आप जब ऑप्शन में जाएंगे इधर क्लिक करेंगे, ये कन्वर्ट ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे, और MIS से नॉर्मल कन्वर्ट आप कर सकते हैं कन्वर्ट क्लिक करके। तो आप देखेंगे तो अभी नॉर्मल लिखा हुआ आ गया, तो अब मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, इस पोजीशन को होल्ड भी कर सकता हूँ। दोस्तों मैं कोई एक लॉट में या एक स्टॉक में ऐसे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग का वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ये खाली आपको दिखाने के लिए, एक डेमो पर्पज़ के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखा सकूँ कि मैं कैसे बाय सेल करते हैं ज़ीरोधा में। और ये एप्लीकेशन और जो ज़ीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है उसका अच्छी तरीके से आपको मैं डेमो दे सकूँ दोस्तों। दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मैं सेल पोजीशन होल्ड करके कैसे कमा रहा हूँ, अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी तो गिर रही है, मैंने सेल किया है 577 पे और अभी है 63 का, तो भी प्रॉफिट कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों शॉर्ट सेलिंग क्या होता है उसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल देता हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप इस शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट से अनजान है तो। और दोस्तों अगर आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट वार्ट देखना है, तो आप उस स्टॉक के ऊपर ड्रैग करेंगे तो ऐसे सब बाय सेल लिखा हुआ आएगा, मार्केट डैप आएगा, और फोर्थ ऑप्शन आएगा चार्ट का, वो आप दबाएंगे। सपोज़ कीजिए बैंक निफ्टी का ही चार्ट मैं देखना चाहता हूँ, और ये मैंने खोला बैंक निफ्टी का चार्ट, तो इधर चार्ट पूरा खुल जाएगा, और ये एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो ये कैसे सिलेक्ट करते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम, इसमें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जाना है इधर, जो आपकी आईडी है उस पर क्लिक करना है, और फिर ये एक ऑप्शन पूरा खुल जाएगा, उसमें आप माय प्रोफाइल में ट्रैक करेंगे। इधर चार्ट्स में दो ऑप्शन है, एक है चार्ट IQ और एक है ट्रेडिंग व्यू। अगर आप चार्ट IQ सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे तो अलग टाइप के चार्ट्स खुलते हैं, ये एक अलग चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ये चार्ट IQ के चार्ट्स खुलते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स यूज़ करने हैं तो सेम वापस से आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और इसमें हम प्रोफाइल में जाएंगे और नीचे ड्रैग करेंगे तो चार्ट्स लिखा आएगा, उसमें आप ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो आपको अब आपने तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स दिखेंगे, ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स है दोस्तों। मैं खुद ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेडिंग व्यू दुनिया का सबसे अच्छा चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। अब ये चार्ट्स को और आपको एनालाइज कैसे करना है इसमें, तो वो भी बता देता हूँ। इसमें पॉपअप आउट कर सकते हैं, ये जो एक पॉप आउट चार्ट लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो नया एक पूरा पेज खुल जाएगा जिसमें वो चार्ट ओपन हो जाएगा। ये आपका चार्ट खुल चुका है, इसमें आप अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ कीजिए आपको 1 मिनट का चार्ट देखना है, तो आपका ये 1 मिनट का चार्ट आ गया, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये 1 मिनट का चार्ट खुल चुका है दोस्तों। और इसमें आपको जो भी स्टडीज़ यूज़ करनी है, सपोज़ आपको मूविंग एवरेज चाहिए, तो आप इंडिकेटर्स में जाएंगे और मूविंग एवरेज टाइप करेंगे तो आपको मूविंग एवरेज दिखा देगा सामने, ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये मूविंग एवरेज को जो चेंज करना है, तो आपको इधर ये मूविंग एवरेज लेफ्ट साइड पे ऊपर दिखाएगा, इसमें ये हाइड होता है। अगर आपको नहीं देखना है फिलहाल, टेम्परेली हाइड करना है मूविंग एवरेज को, तो आप इसको क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने शो कर दिया, और उसके फॉर्मेट में जाके आप चेंज भी कर सकते हो। लेंथ को अगर आप 9 है, सपोज़ कीजिए आप 200 करना चाहते हैं, तो ओके सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी आप देखेंगे तो 200 डे की मूविंग एवरेज भी आ चुकी है इसमें। 200 डे की मूविंग एवरेज नहीं होती है दोस्तों, अगर आप डेली चार्ट यूज़ करते हैं तो 200 डे की मूविंग एवरेज होती है, ये एक्चुअली 200 पीरियड मूविंग एवरेज होती है। तो इसमें 1 मिनट का अगर आप चार्ट यूज़ करेंगे तो लास्ट 1 मिनट के जो 200 कैंडल्स है उसके हिसाब से ही मूविंग एवरेज प्लॉट होगी। और अगर आप डेली का चार्ट यूज़ करेंगे तो जो 200 डेज के लास्ट कैंडल्स होंगे उसके हिसाब से ही मूविंग एवरेज प्लॉट होगी दोस्तों। ये जो मूविंग एवरेज होती है ये हमेशा पीरियड पर ऐड होती है, वो डे पे या
मिनट पे ऐसा नहीं होता है, जो आपकी कैंडल्स है ये कैंडल्स गिनता है, लास्ट 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज हमेशा ये बताएगा आपको। अगर आप 50 मूवी में यूज़ करेंगे तो इस पर डबल क्लिक भी आप कर सकते हैं, और इसको लेंथ में 50 यूज़ कर लीजिए तो आपको लास्ट 50 कैंडल्स का ये EMA बताएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप काफ़ी इंडिकेटर्स होते हैं, आप सबको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो इसके चार्ट IQ के चार्ट्स हैं उसमें भी काफ़ी इंडिकेटर्स हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए मैं वापस से इसको अपने प्रोफाइल में जाके चार्ट में चार्ट IQ सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं ओपन करता हूँ और उसको पॉप आउट करता हूँ। तो ये इसका चार्ट IQ का चार्ट खुल चुका है। इसमें अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है तो आपको इधर राइट साइड पे ऊपर से करना पड़ेगा, इसमें 1 मिनट सिलेक्ट करना है तो 1 मिनट, अगर आपको 5 मिनट सिलेक्ट करना है तो 5 मिनट भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से जैसे नीचे ये MACD इंडिकेटर मैंने प्लॉट किया हुआ है, ऐसे कोई और इंडिकेटर चाहिए तो स्टडीज़ में आप जाइए, इसमें ये पूरा लिस्ट है इंडिकेटर्स का, आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, आपको जो इंडिकेटर यूज़ करना है। सपोज़ कीजिए आपको RSI यूज़ करना है तो इसमें RSI हम क्लिक कर लेंगे और डन पे क्लिक करेंगे तो नीचे RSI भी प्लॉट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों इंडिकेटर्स भी हम प्लॉट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट है पर्सनली मैं वो प्रीफर करता हूँ, मुझे लगता है वो ज़्यादा क्लियरिटी देते हैं और मुझे वो पर्सनली ज़्यादा पसंद है। इसलिए वापस हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ जाते हैं और मैं ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसका चार्ट खोलूँगा तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुलेगा, पॉप आउट कर लेता हूँ और इसमें वापस से मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ। आपको जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करनी है दोस्तों, अगर 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम यूज़ करनी है तो 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम यूज़ कर लीजिए, तो आपको लास्ट 5 मिनट्स में क्या एक्टिविटी हुई है वो हर एक कैंडल बताएगी आपको दोस्तों इसमें। अब आप सपोज़ कीजिए इसमें आपको कोई ड्राइंग टूल्स यूज़ करने हैं तो इधर ये ट्रेंड लाइन का टूल है, इससे आप अपनी ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। कोई ड्राइंग करनी है आपको, कुछ भी लिखना करना है, मार्किंग करनी है, तो आप इस चार्ट्स पे ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये ब्रश टूल यूज़ करके सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाए, तो ये ट्राइंगल टूल ले सकते हैं, आपको जो सपोर्ट रेसिस्टेंस के एरिया लगते हैं आप उधर क्लिक करके सपोर्ट रेसिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारे चार्टिंग टूल्स है, इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अगर गिनना है तो वो भी आप गिन सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको गिनना है तो आप ये इस टैब को सिलेक्ट करेंगे और शॉर्ट पोजीशन हमने जैसे ली हुई है तो उसका शॉर्ट पोजीशन का मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गिनूँ अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके, तो इधर कहीं पे मैंने शॉर्ट पोजीशन सिलेक्ट की है और मैंने स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर लगाया हुआ है, जो कि मैं लगाया नहीं, अगर लगाया और मैं टारगेट अगर सपोज़ कीजिए नीचे रखा है तो आपको ये इधर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गिन के बता देगा कि आपका 1:1.6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब हम आ जाते हैं हमारी ओपन पोजीशन पे दोस्तों। तो ये जैसे मेरी ओपन पोजीशन चल रही है, अगर सपोज़ कीजिए मुझे लगता है ये मेरा प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है तो मैं इस पर इधर क्लिक कर सकता हूँ, एग्जिट पोजीशन पर दबाऊँगा और इसमें मैं बाय कर लूँगा तो ये मेरी पोजीशन एग्जिट हो गई। आप देख सकते हैं इधर प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, और ऑर्डर्स में आप जाके देखेंगे तो ऑर्डर आपका कंप्लीट बताएगा। जो मैंने सेल किया था, मैंने सेल किया था 577.15 पे और फिर मैंने उसको बाय किया 265.10.95, तो ऑलमोस्ट ये 60-70 पॉइंट्स का जो गैप है, 60 पॉइंट्स के आसपास का, वो मुझे प्रॉफिट में मिला है। और मेरी पोजीशन में आप जाके देखेंगे तो इधर 1324 रुपये प्रॉफिट मिला हमें इस ट्रेड में दोस्तों। इस तरीके से हम सेल करके भी कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना है तो निफ्टी यहाँ पे टाइप करेंगे और जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है, जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, मुझे अपनी स्ट्राइक प्राइस डालनी है। सपोज़ कीजिए मुझे 10,500 की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है और उसमें मुझे CE लिखा हुआ आएगा और PE आएगा। CE का मतलब होता है कॉल ऑप्शन और PE का मतलब होता है पुट ऑप्शन। तो आपको इसमें से जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ ये CE सिलेक्ट कर लिया, वॉच लिस्ट में आ गया, या आपको पुट ऑप्शन चाहिए तो आप निफ्टी 10,500 और ये मार्च पुट ऑप्शन आ गया उसको आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। फिर आपको पुट बाय करना है कि कॉल बाय करना है, या कॉल सेल करना है या पुट सेल करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इस पर आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉल ऑप्शन बाय हो जाएगा। इसी को अगर आप सेल पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप कॉल सेलर बन जाएंगे, जिसको कि हम कॉल राइटर बोलते हैं, तो आप सेल कर सकते हैं ऑप्शंस को। और इसी तरीके से पुट में भी अगर आप पुट बाय करना चाहते हैं तो बाय सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर पुट सेल करना चाहते हैं तो पुट सेल सिलेक्ट कर लीजिए, तो आप पुट राइटर बन जाएंगे अगर आप सेल करेंगे तो, और बाय करेंगे तो पुट बायर बन जाएंगे दोस्तों। दोस्तों सपोज़ कीजिए मुझे अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है तो मैं इस पर बाय पे क्लिक करूँगा, क्वांटिटी इसमें 75 लिखा है, मतलब वो एक लॉट है। अगर आपको दो लॉट चाहिए तो 150 हो जाएगा, 225 हो जाएगा थ्री लॉट्स के लिए। एक लॉट में ही काम करके आपको डेमो देता हूँ। और सपोज़ कीजिए मैं ये बाय पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों तो ये मेरा कॉल ऑप्शन बाय हो चुका है 254.60 के प्राइस पे दोस्तों। अब इसको जब मैं एग्जिट करना चाहूँ कर सकता हूँ, मैंने एक्चुअली नॉर्मल ऑर्डर प्लेस किया है। अगर मैं इसको चाहूँ तो इंट्राडे में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, कन्वर्ट पे क्लिक करके कन्वर्ट टू MIS करूँगा तो अभी MIS ऑर्डर हो चुका है दोस्तों। तो अब मैं इसको अगर स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा 3:15 बजे तक, तो मेरा ब्रोकर ऑटोमेटिकली 3:15 बजे के आसपास 2-4 मिनट ऊपर नीचे उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा जो प्राइस चल रहा होगा उस वक्त मार्केट प्राइस पर दोस्तों।
दोस्तों मैंने जैसे इधर 554.60 पे ये कॉल ऑप्शन बाई किया, जैसे ही उसकी प्राइस अगर कम होगी तो मेरा लॉस होएगा, लॉस भी इधर कंटिन्यूसली आपको बताता ही रहेगा स्क्रीन पे कि अभी इतना लॉस हो रहा है, जो एग्जैक्ट उस वक्त की लास्ट जो ट्रेडेड प्राइस होती है उसके हिसाब से ये बताएगा, जिसको LTP बोलते हैं, LTP के हिसाब से अभी हमारा 50.50 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है हमारे एक लॉट में, तो वो हिलता ही रहता है क्योंकि मार्केट क्या चलता रहता है, कोई ना कोई ऑर्डर्स प्लेस होते रहते हैं ऊपर नीचे, तो फ्लक्चुएट करता ही रहता है दोस्तों। दोस्तों मार्केट जैसे थोड़ा रिवर्स आ रहा है, लेकिन मैं इसमें एक्चुअली स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे ट्रिगर होते हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। 554 पे मैंने बाई किया हुआ है, अब मैं इसको एग्जिट दबाऊंगा और SLM पे क्लिक करूंगा और मैं अपना ट्रिगर प्राइस रख दूंगा, सॉरी 254.60 पे मैंने बाई किया कॉल ऑप्शन, तो मैं उसका 248 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर रख दूंगा। तो अगर वो 248 टच करेगा दोस्तों तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रिगर होते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर का, हमारा ट्रिगर होता है अभी स्टॉप लॉस। तो ये मैंने रखा और आप ऑर्डर्स में जाके देखेंगे तो इधर 248 पर ट्रिगर प्राइस पेंडिंग है, लेकिन अभी आप इधर देखेंगे दोस्तों तो 248 का हमारा ट्रिगर प्राइस पेंडिंग है और अभी प्राइस चल रहा है 248.75, तो और शायद नीचे आ जाएगा 75 पैसा, तो वो ट्रिगर हो जाएगा स्टॉप लॉस, और वो भी मैं आपको सामने लाइव दिखाऊंगा दोस्तों कैसे ट्रिगर होता है। ये देखेंगे दोस्तों तो प्राइस टच हो गया है और प्राइस ट्रिगर हो चुका है और ट्रेड क्लोज हो चुका है, और इसने 500 के लॉस में ट्रेड को क्लोज कर दिया दोस्तों। इधर ऑर्डर्स में आप जाएंगे तो जो ट्रिगर प्राइस पेंडिंग था वो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आ गया और वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आप देखेंगे तो। तो दोस्तों इस तरीके से ज़ीरोधा जो काइट प्लेटफॉर्म है उसमें बाय और सेल हम कैसे करते हैं, इक्विटी सेगमेंट का भी मैंने आपको डेमो दे दिया, फ्यूचर सेगमेंट का भी दे दिया है और ऑप्शन सेगमेंट का भी दे दिया, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो दोस्तों, बाय या सेल कर सकते हैं ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों इसमें आपको अगर फंड ट्रांसफ़र करना है या फंड विड्रॉ करना है तो आप इधर फंड्स पे क्लिक करेंगे ऊपर, तो ये पूरा फंड्स का पेज खुल जाएगा जिसमें इधर ऐड फंड्स का ऑप्शन है और विड्रॉ फंड्स का ऑप्शन है। अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड फंड्स पर क्लिक कर सकते हैं और ऑनलाइन ही फंड ऐड कर सकते हैं, अगर आपको विड्रॉ करना है तो भी आप इस पर क्लिक करके ऑनलाइन अपने फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो फंड्स ऐड करने के लिए आप RTGS भी कर सकते हैं ज़ीरोधा के अकाउंट पे, वही अकाउंट से जिससे आपका अकाउंट लिंक्ड है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा जो आप फंड्स ऐड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की वो बहुत ईजिली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको भी अपना अकाउंट खोलना है ज़ीरोधा में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है, उसको क्लिक करके ऑनलाइन 300 रुपये भर के आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, कोई देर भी नहीं लगेगी उसमें। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे दोबारा किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद अगर आपके सिर पर बना रहेगा तो आपको ज़िंदगी में सफलता हर जगह पर बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी मिलती रहेगी। सी यू सून, टेक केयर।